नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन और मैं हूं आपके साथ किशोर झा। और हमारे इस खास कार्यक्रम टॉक विद ऑफिसर्स में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल 64वीं BPSC का अंतिम परिणाम आया है और इसमें कुल 1454 स्टूडेंट जो है अंतिम रूप से चयनित हो गए। हमारे साथ एक ऐसी ही सफल प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपने प्रथम प्रयास में ही बिहार लोक सेवा आयोग की इस प्रतिष्ठित परीक्षा में अपना परचम लहराया। तो उनका नाम राजबाला सिंह है और वो बिहार से ही बिलोंग करती हैं। तो आइए इस सफलता की कहानी में उनसे जानते हैं और आप स्टूडेंट्स और आप व्यूवर्स को वो कुछ टिप्स देंगी, बताएंगी और इस कहानी के बारे में, उनके इस सफलता के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो राजबाला जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। तो और आपको सबसे पहले हार्दिक बधाई, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है और परिवार को, समाज और पूरे बिहार राज्य को जो है गौरवान्वित करने का एक तो मौका दिया है। हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपकी जर्नी जो है सिविल सेवा परीक्षा की, सिविल सेवा एग्जामिनेशन का, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे आपने स्टार्ट किया प्रिपरेशन? मुझे मेरे हस्बैंड से इंस्पिरेशन मिली सर्विस की और उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो मुझे भी इंटरेस्ट आ गया इसके। जैसे जैसे मुझे ज्यादा जानने की इच्छा, बिकॉज मैंने अपना एजुकेशन महाराष्ट्र से किया हुआ था, तो जैसे जैसे मैं पढ़ते गई वैसे वैसे मुझे ज्यादा अटैचमेंट और होती गई और इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। तो इसीलिए मैंने सर्विस में बहुत कड़ी मेहनत की और ट्राई किया कि अच्छा कर सकूं कुछ। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आने के पहले आप जॉब कर रही थी, तो आप कहाँ जॉब कर रही थी? मैं TCS मुंबई में जॉब कर रही हूँ। तो ये भी एक उदाहरण है, खास करके हमारे व्यूवर्स जान सकते हैं कि जिनको ये परेशानी होती है कि जॉब के साथ साथ पढ़ाई कैसे जारी रख सकते हैं, जॉब के साथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करना कठिन है, तो इसका एक उदाहरण आपके सामने है राजबाला जी के रूप में कि उन्होंने अपने जॉब को जारी रखते हुए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है और आज आपके सामने है। और एक बात ये भी है कि ये मैरिड है और इनका एक बेटा भी है, तो उस पारिवारिक दायित्व के साथ कैसे आपने कोऑर्डिनेशन बैठाया, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि मैं दिन भर तो ऑफिस के काम में बिजी रहती थी तो मुझे ज्यादा टाइम नाइट को जब बच्चा सो जाता था उसके बाद ही मिलता था अपॉर्चुनिटी कि मैं पढ़ सकूं। तो जो मेजर सब्जेक्ट्स थे वो मैं रात को नाइट स्टडी ही करती थी, कभी सुबह हो सके तो एक घंटा, उससे ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, तो मैं नाइट स्टडी करती थी ऑफिस के बाद, शाम को सब काम करने के बाद सब लोग सो जाए तब। उसके बाद जैसे करंट अफेयर हो गया, जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपका चैनल और भी कई चैनल्स हैं, उनसे हमेशा जैसे क्विज सॉल्व किया, उनका ऑनलाइन खाना पकाते पकाते करंट अफेयर का वीडियो देख लिया, तो ये सब चीजों से मुझे धीरे धीरे टाइम मैनेजमेंट का मैनेज कर पाई मैं और हार्डवर्क किया। तो मतलब हार्डवर्क जो है ये दिखता है। और ये बताइए कि बिहार जैसे स्टेट में, अब चूंकि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो बिहार जैसे स्टेट में आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए काम करने का जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा है, या मतलब आपको क्या लगता है कि आप मुंबई से सीधे बिहार आ रही हैं तो अपने आप को आप एडजस्ट कर पाएंगी या फिर आपको कुछ मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? मैं बिहार से जरूर थोड़ी दूर रही हूँ इतने सालों तक, लेकिन बिहार तो मुझ में है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बिहार में जॉब करने में या अपने लोगों के बीच में रह काम करने में कोई दिक्कत आएगी, मैं बहुत इजीली एडजस्ट कर लूंगी, बस बिहार तो मुझ में है। ये बहुत मार्के वाली बात है, पॉइंट वाली बात है कि बिहार आप में है, तो जब आप में बिहार है तो नो डाउट कि आप बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे सब चीज को। अब मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये पूछना चाहूंगा कि तैयारी का जो तीन चरण है बीपीएससी का या सिविल सर्विस परीक्षा का, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो इन तीनों की तैयारियों की स्ट्रेटजी आपकी कैसी रही? प्रीलिम्स में आपने क्या कैसे स्टडी किया, मेंस में क्या किया और इंटरव्यू क्या किया, तो इसको आप क्रमश बताइए। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मैंने पहले सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया
और प्रिलियम्स के लिए मैंने जो सभी जनरली अब तो जानती है लूसेंट स्पेक्ट्रम और बिहार स्पेशल की जो पुकारती है और बहुत सारे आपके जैसे यूट्यूब चैनल आपका है उसमें करंट अफेयर्स आते हैं वो सभी मैंने जनरली किसी को रिपीटेडली करंट अफेयर के ऊपर वॉच किया और जो बिहार स्पेशल है और क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी तो मुझे साइंस पे बहुत ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी तो साइंस फैक्टर मेरा एक सपोर्टिंग फैक्टर था तो ये मेरे लिए इसलिए प्रीलिम्स में हेल्पफुल हुआ। मैंने पहले सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही प्रिपेयर किया बिकॉज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि पहले मैं प्रीलिम्स निकालती फिर मेंस के लिए फोकस करती। फिर प्रीलिम्स होने के बाद मेंस के लिए मैंने पहले मेरे पास ज्यादा मटेरियल नहीं था बिकॉज मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी तब लेकिन यूट्यूब पे ही मुझे आपके सब मटेरियल गाइडेंस और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं वो सारा गाइडेंस मिल गया तो मैं राइटिंग प्रैक्टिस करती थी सबमिट करती थी मुझे फीडबैक मिलता था और ये सब के लिए मुझे कुछ पे भी नहीं करना पड़ा मैं अपने घर में मुंबई में बैठ के सब कुछ कर पाई। और उसके बाद बाकी लोगों के जो स्टूडेंट्स के आंसर होते थे जो वो पोस्ट करते थे उनसे भी मुझे बहुत गाइडेंस मिला उनको देख के मैं अपने आप को कंपेयर कर पा रही तो मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस और बाकी स्टूडेंट्स ने जो लिखा उसका कंपैरिजन यही मैं कर रही थी जिससे मुझे हेल्प मिला। और इंटरव्यू के टाइम पे मैंने 5-6 लोगों के लिए एक ग्रुप बना लिया था हम लोगों ने जो उनका ऑप्शनल थे और एवरीडे इवनिंग में हम लोग हाफ एन आवर 1 घंटे के कनेक्ट होते थे और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते जो कि मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। तो इसी तरह 3 पेजेस में मैंने प्रिपेयर किया। बहुत बढ़िया। मेंस में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर तो बिहार में जैसे माना जाता है कि लेबर एंड सोशल वेलफेयर एक बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके बावजूद भी जो सक्सेस रेट है खास करके पिछली कई परीक्षाओं में LSW में बहुत अच्छा नहीं रहा तो आपने LSW के लिए खास करके क्या स्पेशल रणनीति बनाई? LSW में मैंने देखा कि 64 का पेपर थोड़ा ट्रेडिशनल पेपर नहीं था लेबर एंड सोशल वेलफेयर का तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मुझे हेल्पफुल रहा है बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली बहुत सालों का पेपर तब तक मेरा इतना प्रिपेयर नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम में प्रिपेयर नहीं किया था तो मैंने जो करंट अफेयर था या करंट इश्यूज मैं प्रिपेयर कर रही थी GS के लिए तो जो भी होते थे टॉपिक्स उसको मैंने एसोसिएट करके पढ़ा LSW से। LSW का हर एक क्वेश्चन को मैंने करंट के साथ एसोसिएट किया जो नए पॉइंट्स थे उसमें डाले तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेनिफिट होता है अगर लेबर सोशल वेलफेयर में ट्रेडिशनल आंसर के साथ साथ हम करंट पॉइंट्स भी उसमें ऐड करें। और इंटरव्यू के गाइडेंस में जैसा कि आपने बताया कि आपने ग्रुप बनाया और ग्रुप के साथ आपने आधे घंटे एक घंटे डिस्कशन करना शुरू किया BPSC का जो इंटरव्यू था आपको क्या याद आ रहा है कि आपका किस बोर्ड में था किसके बोर्ड में था कितने मेंबर थे? मुझे बोर्ड तो नहीं पता क्योंकि बोर्ड पता नहीं चल पाया था बट मुझे लगता है 4 लोग थे। तो क्या उसमें कोई फीमेल मेंबर्स भी थी? जी कोई फीमेल मेंबर भी थी आपके बोर्ड में? सारे मेल बहुत ही सपोर्टिव थे बहुत काम और बहुत रिलैक्स था। अमूमन कितना मिनट चला था आपका इंटरव्यू? तो आपको जो इंटरव्यू में किस एरिया पर ज्यादा फोकस किया गया था या फिर सवाल जो पूछे गए थे वो किन किन एरियाज पे फोकस था? क्योंकि मेरा जॉब एक्सपीरियंस था और मैंने मतलब मैंने मास्टर इन फार्मेसी किया हुआ था और मैं एज अ ड्रग सेफ्टी एसोसिएट वर्क कर रही थी तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड थे ड्रग्स वैक्सीन जेनेरिक मैक्सिमम मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस और एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे। उसके बाद हॉबी रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे कई सारे मेजर मेरा इंटरव्यू का पोर्शन ये और एनालिटिकल क्वेश्चंस कि आप कैसे करोगे बिहार में क्या करोगे क्यों आना चाहते हो ये क्यों आना चाहते हो आप ये मुझे क्वेश्चन 3 लोगों ने 3 बार ये उनका था सवाल कि आप क्यों आना चाहती हैं बिहार मतलब उनका कहने का मतलब था कि आप मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं और अच्छी अच्छा नौकरी कर रही हैं तो बिहार फिर आप क्यों आना चाहती हैं तो फिर आपने क्या जवाब दिया था उसको वो जवाब आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। मैंने उन्हें यही जवाब दिया था क्योंकि मेरा इसकी तरफ इंक्लिनेशन है
और मैं जो उनका ये बोलना था कि आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और वैक्सीन और ड्रग्स की इस पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा. तो मुझे डिफिकल्ट था ये उनको प्रेजेंट करना, बिकॉज मैंने उनको प्रेजेंट किया ये कि ये तो बहुत वैल्यूएबल है और ये मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस है और मेरे लाइफ का इम्पोर्टेंट फेज है जिसने मुझे प्रोपेल किया है आगे कि मैं इससे भी कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे करूँ. और ये सिविल सर्विस का प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सपोजर देगा और मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मैं अपने जो पोटेंशियल है उसको ज्यादा बेटर वे में और ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाऊं. तो लेकिन उनका यही कहना था कि आप तो अभी तक आए नहीं हो इस फील्ड में, आपको तो पता नहीं है, लेकिन हम इतने सालों से यहाँ पे काम करें, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है और हम अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं. नेगेटिव, उन्होंने बहुत कुछ नेगेटिव कॉमेंट्स किए, बट आई वॉज फर्म कि बिकॉज आई कैन नॉट क्रॉस देम, मैं उनको क्रॉस नहीं कर सकती थी बिकॉज दे वर ट्रू, दे आर एक्सपीरियंस्ड. सो एंड आई हैव नॉट गेट एंटर इन द, तो मैंने उनको क्रॉस तो नहीं किया, आई कुड जस्ट स्माइल. बस मैंने अपना जो था फर्म, मेरा ट्रू इंस्पिरेशन या मोटिव वो मैंने उनके सामने सच सच रखा और बस. तो आपको बीपीएससी के इस परीक्षा में कौन सा पोस्ट प्राप्त हुआ है, अब किस पोस्ट पर सिलेक्टेड हुई है? सप्लाई इंस्पेक्टर. ओके, तो अब आप आपको हाँ एक और जो जरूरी चीज है इंटरव्यू में जैसे पूछता है कि आपकी हॉबीज, तो आपकी हॉबीज क्या है? मैंने हॉबी मेरी कार्टून ड्राइंग बताया था, मुझे कार्टूनिंग मेरी हॉबी है, तो उन्हें शायद बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उन्होंने मुझे बहुत सारे जाते जाते हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि जो व्यूवर्स या जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि सक्सेस स्टूडेंट्स का टिप्स बहुत मायने रखता है उनके लिए, तो आप जो टिप्स देंगी वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग फॉलो करेंगे. मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट और सेल्फ बिलीफ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है. सबके सामने बहुत सारे डिफिकल्टीज और चैलेंजेस होते हैं, मेरे आगे भी थे, बट अगर फर्म बिलीफ है, फेथ है खुद पे और अगर आपकी डेस्टिनी ने थोड़ा सपोर्ट किया तो फॉर श्योर आपको सक्सेस. और खासकर उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं और पारिवारिक दायित्व के बाद भी वो तैयारी करना चाहती हैं, सिविल सर्विस में आना चाहती हैं, तो उनके लिए आपका क्या टिप्स रहेगा, स्पेशल टिप्स? विमेन के लिए एक ये एक्स्ट्रा बैरियर होता है, मुझे लगता है बहुत सारे लेयर्स क्रॉस करते पड़ते हैं. आई अग्री, ये बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए भी बाकी सारे विमेन की तरह, बट मुझे लगता है अगर हमारा है, अगर क्लियर है और अगर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव है तो हम ये चैलेंजेस को भी फेस कर सकते हैं. बट फैमिली का सपोर्ट इसके लिए, जैसे मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इंस्पायर किया हमेशा, उनका मोरल सपोर्ट हमेशा मेरे साथ था. अगर मैं डिप्रेस हूँ तो वो मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं. तो फैमिली का अगर सपोर्ट है तो आप फैमिली, बच्चा, जॉब सबके साथ भी अपना जो एम है वो अचीव कर सकते. मतलब ये कहा जा सकता है कि सफलता का कोई एक पल नहीं है, विफलता की गोद में ही जीत है और हार कर जो नहीं हारा कभी, सफलता उसी के हृदय का गीत है. राजबाला जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए एजुकेशन निकेतन और पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू इंटरेक्शन के लिए. थैंक यू. थैंक यू.